ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र में से मैंने जो एक चौपाई लोगों को बताई और उसके बड़े अच्छे परिणाम मिले हैं। दरिद्री न को द्रव्य के दान दीने, अपुत्री न को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे ही दाता, नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथ। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं थी, नौकरी छूट गई थी, उन लोगों ने इस चौपाई की मात्र 23 दिन तक साधना की और उनको बड़े गजब के परिणाम मिले। अब आपने पूछा कि अगर पूरे स्तोत्र का पाठ करें तो क्या? देखिए, पूरा स्तोत्र तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, चमत्कारिक है। पंडित ध्यानत राय जी ने इसको लिखा जरूर हिंदी भाषा में है, लेकिन इसका एक एक अक्षर अपने आप में मंत्राक्षर है, मंत्र के रूप में कार्य करता है। तो आपने कहा कि इसकी सिद्धि कैसे की जाए, तो आज मैं इसके बारे में बता दूं विस्तार से कि श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र की सिद्धि यदि कोई करना चाहता है तो बहुत सरलता सिद्धि कर सकता है। आप अगर कोई गंभीर संस्कृत का या कोई विशेष बीजाक्षर की साधना नहीं कर पा रहे हैं या किसी मंत्र की साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्तोत्र आप बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। मात्र 23 दिन में इसकी सिद्धि हो जाती है। कैसे करनी है? श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र यदि आप सिद्धि करना चाहते हैं, जैन परंपरा में 23वें तीर्थंकर है श्री पार्श्वनाथ, और श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने से जो एक क्रूर ग्रह केतु ग्रह वो शांत हो जाता है। लेकिन राहु और केतु, भारतीय ज्योतिष में राहु को माना जाता है सिर और केतु को माना जाता है शरीर। जो राहु के द्वारा कुपित होते हैं उनके मन में बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, जो केतु के द्वारा कुपित होते हैं उनके शरीर में बीमारियां पैदा होती है। तो केतु जो है अगर आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो आपके जीवन में कर्मठता पैदा करता है, आपको पुरुषार्थशील बनाता है, प्रयत्नशील बनाता है, आपके अंदर कर्म करने की क्षमता पैदा करता है, आपके शरीर को बलशाली बनाता है। राहु यदि सपोर्टिव है तो आपके मन में नए नए ख्याल आएंगे। लेकिन कई बार राहु की वजह से क्या होता है, ख्याल तो बहुत अच्छे आते हैं, आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनमें इंप्लीमेंट करने के लिए केतु का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म तो शरीर से करोगे ना। तो केतु को सपोर्ट रखने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना के रूप में यदि आप इस स्तोत्र का पाठ रोजाना करते हैं तो इसके बड़े परिणाम अच्छे मिलते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। कैसे करना है? शुक्रवार का ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार से लेकर के 23 दिन तक प्रतिदिन आपको प्रातः काल स्नान करने के पश्चात 23 दिन तक श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र का जाप करना है 23 बार। करना कैसे है? इसके लिए आपको हरे रंग की माला का प्रयोग करना है, या आप हरी जो छोटी इलायची होती है आप उनके द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। तो 23 इलायची आप रख लीजिएगा, एक बार इस सूत्र का पाठ हो जाए, एक इलायची आपने काउंट कर ली, ठीक है ना। इसके अलावा साथ में दशांग धूप भी आप रखिएगा, जब जैसे जैसे आपका ये पाठ होता जाएगा वैसे वैसे आपको धूप भी खेलनी है। शुद्ध गाय के घी का दीपक जला कर रखिए, इससे आपका ऑरा क्योर होता है, आपका जो वातावरण है वो पवित्र होता है, आप जहां पर बैठ के साधना कर रहे हैं वो क्षेत्र पवित्र होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि बताई हुई है, तो उसके लिए दीप और धूप का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए, शुद्ध धूप का प्रयोग कीजिए और हरे रंग की इलायची से आप इसकी काउंटिंग कीजिए। 23 दिन तक आपको जाप करनी है श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र की रोजाना 23 बार। इसके अलावा श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र का जो बीज मंत्र है, जो बड़ा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरहम चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः, या तो उसकी जाप करें 108 बार, या फिर जो छोटा मंत्र है तो ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, इसको भी आप रोजाना 108 बार जपिए। आप देखेंगे 23 दिन के बाद में आपका शरीर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, बीमारियां अपने आप पलायन हो जाएंगी, रोग मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, शरीर के अंदर बल पैदा हो जाना शुरू हो जाएगा, शरीर बलशाली बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कर्म करने की प्रेरणा जागृत होगी, पुरुषार्थ शिला बनते चले जाएंगे, और जहां जहां भी केतु की वजह से जो रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी स्तोत्र है, और इसकी एक चौपाई ने बड़े कमाल के परिणाम दिए हैं। अगर आप इसको पूरा पाठ करेंगे तो आपका जीवन अपने आप में चमत्कृत होगा। नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम, नमो देव देवम, हे देवों के देवता, हे देवादिदेव चिंतामणि, चिंतामणि रत्न कौन सा, जिसके सामने मात्र चिंता करने मात्र से ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो श्री पार्श्वनाथ भगवान जो चिंतामणि है, और एक बड़ी गजब की बात मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में क्या बाहर विदेशों में भी अब तो जन्म से बन गए हैं, आप कहीं भी चले जाइएगा सबसे ज्यादा जो जैन प्रतिमाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा तीर्थंकर प्रतिमा में श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा आपको स्थापित नजर आएगी, सबसे ज्यादा।
जिनके ऊपर फण होता है, सबका फण होता है, ऐसी प्रतिमाएं सबसे ज्यादा विराजमान की गई है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को सबसे ज्यादा लोगों ने विराजमान किया हुआ है अपने मंदिरों में, और उसके बस यही परिणाम है कि श्री पार्श्वनाथ की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता, श्री पार्श्वनाथ का दास कभी उदास नहीं हो सकता है। तो श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र के सामने दिया